यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। नमस्कार, मैं हूं अवंतिका यादव और आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर इस वक्त जम्मू कश्मीर से है, जहां पर आपको बता दें कि सुरक्षा बलों ने एक अज्ञात को गोली मारी है। ये बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से। बड़गाम में एयरफोर्स स्टेशन में सिक्योरिटी जोन में घुसने का प्रयास कर रहा था, अज्ञात व्यक्ति को चेतावनी देने के बाद सुरक्षा बलों ने उसे गोली मारी। और साथ ही आपको बता दें कि सुरक्षा बलों ने मामला दर्ज कर अब जांच भी शुरू कर दी है इस पूरे मामले की। और इसके अलावा आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के बड़गाम एयरफोर्स स्टेशन के सिक्योरिटी जोन में घुसने की कोशिश ये युवक कर रहा था, हालांकि ये कोशिश नाकाम हुई। अज्ञात व्यक्ति को पहले चेतावनी दी गई, लेकिन उसके बाद भी जब चेतावनी के बावजूद भी ये युवक नहीं पीछे हटा, तो उसके बाद गोली मारी गई सुरक्षा बलों की ओर से। सुरक्षा बलों ने हालांकि इस पूरे मामले में अब मामला दर्ज कर लिया है, जांच साथ ही इस मामले की अब शुरू हो गई है। ज्यादा जानकारी लेंगे दिनेश सूदन, हमारे संवाददाता जम्मू कश्मीर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दिनेश, ज्यादा जानकारी खबर पर। जी, आपको बता दें कि जो बुड़गांव में जो एयरफोर्स का जो स्टेशन है, वहां पे जो एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा जो है जो एयरफोर्स की बाउंड्री है उसे क्रॉस करने की कोशिश की गई। जो सुरक्षा बल के जवान वहां पे तैनात थे, उन्हें एक चेतावनी दी गई रुकने की। जब वो शख्स वहां रुकने के लिए नहीं माना, तो उसके बाद जो है वहां पे फायर किया गया, जिसमें इस शख्स की मौत हो गई है। फिलहाल जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो फिलहाल इस पूरे मामले में जो है जानकारी जुटा रही हैं फिलहाल कि ये कौन शख्स था, किस कारण से ये जो एयरफोर्स स्टेशन है इसके अंदर जो घुसने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल जो है इसमें मामला पुलिस ने भी इस पूरे मामला दर्ज करके आगे की जो कार्रवाई है वो शुरू कर दी गई है। जी दिनेश, साथी कौन ये युवक था, इसके बारे में कोई पहचान अभी तक हो पाई हो? जी, अभी ये साफ नहीं हो पाया है फिलहाल ये कौन युवक था। फिलहाल जो अभी पुलिस की ओर से जो मामला अभी दर्ज किया गया है, और अभी जो शुरुआती जांच है वो वहां पे की जा रही है। जांच करने के बाद ही पता चल पाएगा ये शख्स कौन था और किस कारण से ये जो जो एयरफोर्स का जो स्टेशन था बुड़गाम में उसके अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। जी चलिए, बहुत शुक्रिया दिनेश तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि सिक्योरिटी जोन में घुसने की कोशिश ये युवक कर रहा था, लेकिन अब सुरक्षा बलों ने हालांकि पहले चेतावनी दी, लेकिन उसके बावजूद जब ये युवक पीछे नहीं हटा, तो उसके बाद फायरिंग जो है वो की गई, गोली चलाई गई, और उसके बाद अब हालांकि मामला दर्ज कर लिया है और जांच इस मामले में शुरू कर दी है। कौन ये युवक था अभी तक इस बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है। वही हिसार में अनशन पर बैठे इनसू के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला का धरना लगातार जारी है। छात्र संघ चुनाव को लेकर दिग्विजय चौटाला धरने पर बैठे हैं। सीएम के ओएसडी भूपेंद्र सिंह ने एक बयान जारी कर पत्र लिखा था, जिसमें छात्र संघ चुनाव को सितंबर 2018 तक करवाने के लिए कहा गया है, लेकिन दिग्विजय चौटाला फिर भी नाखुश नजर आए। दिग्विजय चौटाला ने कहा है कि सीएम मनोहर लाल विश्वविद्यालय को पत्र लिखकर कंफर्म करें और उनकी 8 सूत्रीय मांगों को पूरा करें, जिसके बाद ही उनका यह अनशन समाप्त होगा। तो हिसार में गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय में लगातार धरने पर बैठे हुए हैं, भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं इनसू के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला। अभी एक लेटर जारी हुआ ऑनरेबल्स, ये प्रेस नोट जारी हुआ है, कैप्टन भूपेंद्र कहते हैं अपने आप को ओएसडी सीएम। ऑनरेबल सीएम हैज आस्क्ड मी टू कन्वे दैट इन व्यू आवर प्रॉमिस इन द पोल मैनिफेस्टो एंड वेरियस मीटिंग एंड डिस्कशन held on the subject with different student organization in the past, student elections will be conducted in the next academic session of 2018-19 by September 2018. इससे हम कतई ही satisfied नहीं है, because ये बड़ी हास्यास्पद सा letter है। पहली बात तो कोई relevance ही नहीं है, Captain भूपेंद्र का ये department नहीं है, Captain भूपेंद्र Chief Minister के office से नहीं लिख रहे हैं, उनके कहने पर ये लिख रहे हैं। इसमें एक भी बात का कोई तुक नहीं है। हमारी लड़ाई कुछ पॉइंट्स को लेकर के है, और ये पॉइंट्स हमने सरकार के सामने रखे हैं कि पहली बात तो सीएम जो है वो गवर्नर या सीएम चांसलर्स, क्योंकि गवर्नर चांसलर हैं वो, या चीफ मिनिस्टर यूनिवर्सिटीज़ को लिखें कि इलेक्शन करवाया जाए। दूसरी बात ये कि यूनिवर्सिटीज़ को जो है ना एक लेटर इशू किया जाए, एक नोटिफाइड लेटर इशू किया जाए। तीसरी बात कि जो सेप्टेम्बर या अगस्त का लास्ट वीक, इसके गाइडलाइंस हैं लिंगदो कमेटी की 1 नवंबर से पहले की,
उसके अंदर ये इलेक्शन करवाए जाएं, इसके लिए बजट एलोकेट किया जाए और एक कैलेंडर होता है जैसे एकेडमिक्स का, ये भाई आपके एग्जामिनेशन के डेज हैं, ये आपके प्रिपरेशन के डेज हैं, ये आपकी छुट्टियां हैं, ये स्पोर्ट्स के डेज हैं, उस हिसाब से कैलेंडर में एक जगह मिलती है। हर यूनिवर्सिटी देती है, दिल्ली देता है, चंडीगढ़ देता है, राजस्थान देता है, उत्तर प्रदेश देता है, वैसी कैलेंडर में जगह मिले। जो गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर टंकेश्वर जी की रिपोर्ट थी, जिसको ये कह रहे थे बड़ी पॉजिटिव रिपोर्ट है स्टूडेंट्स के लिए, उसको सार्वजनिक कीजिए, लोगों के बीच में लेकर के आइए। सरकार अगर हमें बेवकूफ बनाना चाहे या जो काम शिक्षा मंत्री 3 साल से करते थे, अगर मुख्यमंत्री जी ये सोच। और हमारे साथ इस बीच फोन लाइन पर इंसू के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला फोन लाइन पर छुड़ गए हैं। स्वागत है आपका दिग्विजय चौटाला जी, खबरें अभी तक पर। जी धन्यवाद जी। दिग्विजय जी, एक और जहां ओएसडी की ओर से ये जारी किया गया है प्रेस नोट, जिसमें कहा गया है कि सितंबर 2018 तक छात्र संघ चुनाव जो है वो कराने की जो एक यहां पहले वायदा किया गया था, पोल जो मैनिफेस्टो था उसमें जो वायदा किया गया था वो पूरा किया जाएगा, तो फिर इनसो को इतनी जल्दी क्यों है? नहीं, इनसो को जल्दी कहें, 2014 में जब चुनाव हुए तो मैडम आप ही बताइए, तभी इनने कहा था कि हम इस वादे को पूरा करेंगे, फिर क्या हुआ? फिर हर साल ये कहते हैं कि हम पूरा करेंगे, चुनाव कैसे होगा उसका मोड नहीं बताया, चुनाव के लिए पैसा कौन देगा वो नहीं बताया, कैलेंडर्स में कब डलेंगे वो नहीं बताया, पूरी की पूरी प्रक्रिया होगी कैसे, लिंगडो कमेटी के हिसाब से होगी, डायरेक्ट चुनाव होंगे या नहीं होंगे वो नहीं बताया। आप लोगों को एक प्रेस नोट लिख करके और ये सारी बात कह दी, यूनिवर्सिटीज को अभी तक कोई जानकारी नहीं है। आप खुद इतने समझदार हैं, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, आप सरकार की बात छोड़िए, आप इतने प्रश्न उठाइए इस बात को लेकर के, लेकिन जब अभी बात कही गई है कि सितंबर 2018 तक जो है हम शुरू कर देंगे इसको, उस टाइम पर हम शुरू करेंगे, तो कम से कम तब तक तो इंतजार करना ही चाहिए। मैडम हम इंतजार तो कर लें फिर, अगर ये आप मुझे इस बात की गारंटी दे दो या तो ये डायरेक्ट इलेक्शन करवाएंगे, अगर ये इनडायरेक्ट इलेक्शन करवा के आरएसएस के लोगों को प्रधानी के पद पर बिठा देंगे तो क्या वो डेमोक्रेटिक होगा क्या? या आप जिम्मेवारी ले लो, मैं तो धरना उठा दूंगा, आपके एडिटर जिम्मेवारी ले लें, कैसी बात आप लोग कर रहे हैं, आप तो थोड़ी समझदारी बरती है ना। नहीं, जिम्मेदारी तो, जिम्मेदारी जब जब खुद कहा जा रहा है ओएसडी की तरफ से खुद कहा जा रहा है, बिल्कुल झूठ है ये तो, ये तो फिर ये तो पिछले साल भी कहा था, आप उस बात को क्यों नहीं दिखा रहे? यानी फिर अगर अगर अभी भी वो कह देंगे कि हम चुनाव करा रहे हैं, किसी की तरफ से भी कहा जाए, आप तो उसमें मानेंगे जब तक रिटर्न में नहीं आएगा यूनिवर्सिटी के पास हम नहीं उठेंगे, कैसी बात आप कर रहे हैं? आप तो ठीक दिखाइए ना, अगर आप ही इसको गलत दिखाएंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? आप हमें जल्दबाजी कह रहे हैं कि हम जल्दबाजी कर रहे हैं, हम 3 साल से लड़ रहे हैं, हमने लाठियां खाई है, हम जेलों में गए हैं, आप उस बात को तो बताइए। नहीं, अगर 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 उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कहा था, अगर वायदा किया था कि हम इसे कराएंगे, और अगर अभी सितंबर 2018 तक की बात कही जा रही है तो फिर उतना तो इंतजार करना चाहिए, अभी कार्यकाल बाकी है, अभी पूरा नहीं हुआ है। डायरेक्ट इलेक्शन लिंगडो कमेटी के हिसाब से डायरेक्ट इलेक्शन का हाँ भरें और उसके लिए यूनिवर्सिटीज को लिखें, और वो ये बात तो जो बात आज कही गई है ये बात तो ये 3 साल से कह रहे हैं, फिर चुनाव क्यों नहीं हुआ? मैं आपसे पूछता हूँ, आपको इस पर बुलेटिन चलाने चाहिए स्पेशल, इस पर रिपोर्ट करनी चाहिए कि 3 साल से झूठ बोल रहे हैं ये लोग। लेकिन अगर अभी वायदा किया जा रहा है, अगर अभी कहा जा रहा है, बात कही जा रही है कि सितंबर 2018 तक, तो तब से कम से कम इंतजार करना ही चाहिए। यही तो कह रहा हूँ ना, ये बात तो पिछली बार भी कही गई थी, हमने इसलिए इंतजार किया, इनके झूठ का घड़ा भर गया, इसलिए तो हम यहाँ बैठे हैं। आप मेरी बात अगर सितंबर में पूरा नहीं होता, अगर वायदा जो अभी कर रहे हैं कि सितंबर तक जो है शुरू करेंगे, अगर नहीं होता तो फिर आप ठंडे में बैठिए, फिर अगले सितंबर में पूरा करेंगे। जिंदा नस्लें 5 साल इंतजार किया करती है, हम जयप्रकाश नारायण के सिपाही हैं, इन लोगों ने जो वादा किया था उसको ठीक तरह से पूरा नहीं करेंगे, हम तो उठेंगे नहीं, ना एक इंच धरना इधर जाएगा ना उधर जाएगा, ना हम कोई अनग्रहण करेंगे, जब तक नहीं करेंगे जब तक हमारी बात नहीं मानी जाएगी। आप तो ऐसी बात कर रहे हो जैसे आप उनको स्पॉन्सर कर रहे हो। नहीं, आप मीडिया के ऊपर स्पॉन्सर करने का आरोप लगा रहे हैं। नहीं, आरोप नहीं लगा रहा, आप ऐसे बोल रहे हो कि सितंबर तक वेट करो, मैं 2014 से कह रहा हूँ कि 2014 की आप पीछे की हिस्ट्री तो निकाल के देखो ना, आप मेरे को क्लेम कर रहे हो। जब छात्र संघ चुनाव नहीं कराए जा रहे थे तो आपको ज्ञात होगी, वही मीडिया थी जो बार बार आवाज उठा रही थी कि जब वायदा किया गया था क्यों नहीं पूरा कर रहे, कोई इसको लेकर नोटिफिकेशन क्यों नहीं जारी की जा रही है। मैं इंडिविजुअली मैडम ये कह रहा हूँ आपसे, आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए कि आप ये जो बात आज इनने कही है ये तो पिछले 3 साल से कह रहे हैं, तो फिर आपकी मीडिया ये क्यों नहीं दिखाती कि सरकार झूठ बोल रही है? एक भी लाइन आपकी मीडिया नहीं लिखा होगी सरकार झूठ बोल रही है, क्योंकि अभी तक इससे पहले कोई डेडलाइन नहीं दी गई थी उनकी तरफ से। अब जो कहा जा रहा है कि सितंबर 2018 में शुरू किया जाएगा, किसने का डेडलाइन नहीं दी गई थी? कौन कह रहा है डेडलाइन नहीं दी गई थी? हर बार शिक्षा मंत्री का बयान आया है, आपकी यहाँ रिकॉर्डेड एक तो मैं भेज दूं आपको। आप मेरी बात नहीं समझ रहे, आप मेरे को ऐसे अलर्ज कर रहे हैं जैसे मैं कोई टेररिस्ट हूँ, किसी कैंपस के अंदर बैठ कर कोई आतंक पचा रहा हूँ।
हम एक मैंने तो यहां तक कह दिया कि मैं तो यूनिवर्सिटी के अंदर कदम नहीं रखूंगा, अगर मेरे से इनको इतनी दिक्कत है मैं यूनिवर्सिटी के अंदर एक साल तक कदम नहीं रखूंगा, ना मेरी पार्टी चुनाव लड़ेगी। अब इससे ज्यादा सेक्रीफाइस कौन कर सकता है? सरकार सीधी सी मांग हमारी है मैडम, आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आप प्लीज को अदरवाइज मत दीजिए, ये मांग बहुत सेंसिटिव मामला है, सरकार झूठ पे झूठ बोले जा रही है, दे आर बाइंग टाइम, अगर एक मौका इनको और हमने छोड़ दिया और फिर झूठ बोलने का अवसर दे दिया, अगले साल तो चुनाव आ जाएंगे, फिर ये कह देंगे भाई जो अब जो है ना हम इसको करवा नहीं सकते क्योंकि चुनाव आ गए, फिर उसका कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा, फिर कैबिनेट के फैसले नहीं लिए जा सकते। दिग्विजय, अंतिम लड़ाई है, आपसे मेरा हाथ जोड़ के अनुरोध है आप इसमें हमारा सहयोग कीजिए, आप मेरी बात को समझिए, ये जो हजारों स्टूडेंट यहाँ बैठे हैं इनको सारी बात की जानकारी है, ये अगर इन चीजों से मानने वाले होते तो ये पहले ही मान जाते, ये जब तक सरकार की पूरी नोटिफिकेशन, मैं आपको 8 पॉइंट बताता हूँ, एक तो सबसे पहले सरकार ये कहे कि हम चुनाव करवाएंगे, दूसरी बात ये कहे कि हम डायरेक्ट चुनाव करवाएंगे, तीसरी बात ये कहे कि लिंगडो कमेटी के हिसाब से चुनाव करवाएंगे, यूनिवर्सिटी को ये लिखे कि कैलेंडर जो तय करते हैं एकेडमिक सेशन का, स्पोर्ट्स का, छुट्टियों का, उसमें कैलेंडर में डालिए, उस कैलेंडर के अंदर इसको स्थान दीजिए, उसके साथ साथ ये बताइए कि इसका बजट एलोकेट कौन करेगा, वो सारी की सारी बातें, ये 8 डिमांड है, अगर कहो तो मैं आपको भेज दूंगा, ये 8 डिमांड पूरी होंगी उसके बाद धरना समाप्त होगा। जी दिग्विजय जी, देखिए जिस तरह की प्रतिक्रियाएं अब इसके बाद अब निकलकर जो सामने आ रही है उसके मुताबिक ये कहा जा रहा है क्योंकि अब 19 के चुनाव भी पास में और इसीलिए जो है अब इस तरह से रणनीति जो है वो बनाई जा रही है इनसो की ओर से, हालांकि अभी चूंकि सरकार की ओर से ओएसडी की ओर से ये जो है बयान जारी करके पत्र जो है वो लिखा गया है कि सितंबर 2018 तक चुनाव जो है वो हम कराएंगे, लेकिन उसके बावजूद अगर इनसो जो है वो लगातार डटी हुई है धरने पर अनशन पर, तो फिर इसे चुनावों से जोड़कर भी देखा जा रहा है। आपकी बात से सहमत हूं मैं कि वो चुनाव करवाएंगे, अगर वो इनडायरेक्ट करवा देंगे फिर हम कहां जाएंगे, इनडायरेक्ट चुनाव थोड़ी ना हमारी ना किसी भी संगठन की, इनका जो संगठन ईबीवीपी है वो भी कहता है कि डायरेक्ट चुनाव होने चाहिए, मगर सरकार इनडायरेक्ट चुनाव कराने के पक्ष में, इनडायरेक्ट चुनाव हमें नहीं चाहिए, किसी भी छात्र को नहीं चाहिए मैडम। मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, आप एक जर्नलिस्ट हैं, आप मीडिया चौथा स्तंभ है, हम आपकी इज्जत करते हैं कि आपने हमारी खबर चलाई और इसको आप प्रदेश के कोने कोने तक पहुंचा रहे हैं, मगर इसको थोड़ा सा ठीक तरीके से पहुंचाइए कि सरकार स्टूडेंट्स के साथ वादा खिलाफी कर रही है, स्टूडेंट्स को बरगला रही है, उन्हें झुंझुना पकड़ा करके सिर्फ दे आर बाइंग टाइम। चाहिए सरकार कहां वादा खिलाफी करती है, ये मीडिया जो है पुरजोर तरीके से इस बात को भी उठाती है। दिग्विजय चौटाला जी बहुत शुक्रिया खबरें अभी तक के साथ जुड़ने के लिए। तो अभी आपको बता दें कि हालांकि हिसार में अनशन पर बैठे इनसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला का साफ कहना है कि जब तक इसको लेकर जो है डायरेक्ट चुनाव कराए जाने के लिए जो नोटिफिकेशन है वो जारी नहीं किया जाता है और पूरा जो 8 सूत्रें मांगे हैं उनकी वो पूरी नहीं की जाती हैं, तब तक वो इसी तरह से अनशन पर बैठे रहेंगे। बड़ी खबर इस वक्त पंचकुला से है जहां पर सकेतड़ी शिव मंदिर में लाखों रुपए की चोरी का मामला सामने आया है। ये बड़ी खबर इस वक्त पंचकुला में सकेतड़ी शिव मंदिर से लाखों की चोरी का मामला सामने आया है और साथ ही आपको बता दें कि इस मामले में अब पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, जांच शुरू कर दी है। सकेतड़ी स्थित प्रसिद्ध ऐतिहासिक शिव मंदिर में चोरी का मामला सामने आया है, लाखों रुपए की चोरी की बात कही जा रही है। चोर लाखों के गहने, चांदी के गहने लेकर फरार हो गए हैं और साथ ही मंदिर में तकरीबन 15 लोग सोए थे, लेकिन इसी बीच चोरों ने इन सब के बावजूद हाथ साफ करने में कामयाब रहे। घटना की ये सारी वारदात सीसीटीवी में भी कैद हो गई है। साथ ही पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, जांच इस पूरे मामले की शुरू कर दी है। तो आपको बता दें कि पंचकुला से ये बड़ी खबर इस वक्त, सकेतड़ी स्थित प्रसिद्ध शिव मंदिर में चोरी का मामला सामने आया है। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं सीसीटीवी में, ये पूरा मामला कैद हो गया है। मंदिर में करीब 15 लोग सोए हुए थे, लेकिन इस सब के बावजूद यहाँ पर चोर चोरी की वारदात को अंजाम देकर लाखों रुपये की चोरी पर हाथ साफ करने में कामयाब रहे। यहाँ पर गहने जो हैं, सोने चांदी के गहने जो हैं लेकर चोर यहाँ से फरार हो गए। सीसीटीवी में ये पूरा मामला दर्ज हो गया है और साथ ही पुलिस ने भी इस मामले को दर्ज कर लिया है और इस पूरे मामले की छानबीन भी शुरू कर दी है। मंदिर में करीब 15 लोग सोए हुए थे, लेकिन इसके बावजूद चोर चोरी करने में सफल रहे। और बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही, आप देखते रहिए खबरें अभी तक। नमस्कार।